उसमें एक सियासी जो आपके लीडर हैं उन्होंने इस हद तक जा करके मुखालफत की कि जाके हमारे केस रुकवाए और फिर खुद ही जा करके मिनिस्टर्स को मिलते रहे और जा करके एक जिंदगी मौत का मसला उन्होंने बना लिया। इसलिए मैंने ये सोचा है कि इंशाल्लाह, इसलिए मैंने वोट भी अपना ट्रांसफर करवाया कि बुराई को जड़ से निकालने के लिए ये जरूरी है कि आप एक सियासत के अंदर भी अमली कदम, जरूरी नहीं है कि मैं खुद आगे आऊँ। चैम्बर के सबका सदर जो है उनको जो है मिनिस्टर साहब ने एक एजाजी अहदा दिया और उसको गैपको के ऊपर बिठाया और उन्होंने क्या क्या बेजाबतियाँ की। अब वो क्या है कि उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे की और मजीद कर रहे हैं, तो जब फैसले का वक्त आता है, जब तब लोगों को ये चीज़ें बताई जाएं तो फैसला करते हुए उनको आसानी होती है। मेरा खुद बजाते खुद इलेक्शन में हिस्सा लेना, मैं ये समझता हूँ मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट इतना मानी नहीं रखता। ये ज़रूर मानी रखता है कि जो लोग गलत हैं ख्वाह वो किसी भी पार्टी से हों, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, उनकी करप्शन को बेनकाब करना, लोगों तक उनका असल चेहरा पहुंचाना, ये सबसे बड़ा काम है। यहाँ पे सियासी और कारोबारी जो कारोबारी कम्युनिटी है वो सियासत की नज़र हो चुकी हुई है। इसी मसलियत के तहत ये लोग तो चुप थे, तो हमने अब कोशिश ये की कि हम ऐवाने वाला तक ये ज़रूर बात पहुँचाएँ कि आप जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो कारोबार के मुनाफी हैं, वो कोई बेहतरी के लिए नहीं आ रही। 70% इंडस्ट्री गुजरांवाला की बंद है। अगर आप गुजरांवाला की स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो टोटल 65 यहाँ पे फर्नेसेज हैं जिसमें से 60 बंद हैं। और स्कैंडल बन जाए और कहीं वायरल हो जाए तो फिर क्या कहेंगे? चलें जी, कोई बात नहीं, जानू तो ये है, देखें मैं जानू, अब मैं इसीलिए मैं कई दोस्तों से बात करता होता हूँ, मुझसे पूछते हैं जानू, मैं कहता हूँ जानवर के अंदर से अगर रे निकाल दी जाए ना तो वो जानू बन जाए। देखिए सागर किनारे फैसल फारूक सागर के साथ में एग्जीक्यूटिव मेंबर जीसीसीआई अताफरी चौधरी की गैर रस्मी गुफ्तगू चांद रात को सिर्फ 11 न्यूज डिजिटल चैनल पर।